अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों कांग्रेस के निशाने पर हैं। सनातन धर्म पर स्वामी के विवादित बयान पर अब कांग्रेस ने भी सपा को घेरते हुए अखिलेश को नसीहत दे डाली और स्वामी प्रसाद मौर्य को जिन्नात का सरदार बता डाला। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जिन्नात का सरदार बताया है और सपा को जिन्नात से घिरने की बात कही है। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नात से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इन जिन्नातों के सरदार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारे इशारे पर सपा पर भी निशाना साधा। बोले, देश अभी रामलला के भक्तों पर चलाई गई गोलियों के जख्म को नहीं भूला। वहीं दूसरी ओर इस तरह सपा नेता अपनी बयानबाजी से नया जख्म देने की तैयारी में है। अखिलेश यादव को ऐसे जिन्नातों को बोतल में बंद करके रखना चाहिए। ये देश और इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू अभी तक रामलला के भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थी उनको नहीं भूला है। उस जख्म के बाद एक नया जख्म देने की तैयारी हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि उन्हें इन तमाम जिन्नात को बोतल में बंद करके रखना चाहिए था, मगर अब ये बोतल से बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का विरोध कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है, अब उनकी जगह नर्क में पक्की हो गई है। लेकिन अब अखिलेश यादव को अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करने चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भगवान राम का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचा करके अपनी जगह नर्क में पक्की कर ली है। लेकिन मुझे इसकी चिंता ज़्यादा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या होगा। मुझे चिंता इस बात की है कि अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े शरीफ इंसान हैं, उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं चीज़ें। समाजवादी पार्टी की कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो लाइलाज हो चुकी हैं। बस अखिलेश यादव जी को मैं एक ही सलाह दूंगा, एक ही निवेदन करूंगा कि उन्हें अयोध्या जी जाके सरयू में स्नान करना चाहिए और रामलला का दर्शन करना चाहिए। अब तक स्वामी प्रसाद के बयान पर बीजेपी जमकर सपा को आड़े हाथों लेने का काम करती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी सपा को घेरने में जुट गई है। लगता है अब कांग्रेस भी यूपी में हिंदुओं को साधने की कवायद में जुट गई है। Oh, 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 oh